लोग, आप सोचिए कि ये जेएनयू की आवाज से इतना घबरा रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि माइक बंद करके वो आपकी आवाज को दबा सकते हैं। वो जानते नहीं है कि हमारे जैसे जो लोग है ना, वो बिना माइक के ही गला फाड़ फाड़ के बोलने के लिए आदि है, पाएंगे। ये जो हैंड माइक है उसको ले लेकर गली गली में घुस घुस कर बोलने वाले ही हम लोग हैं दरअसल, इसलिए कोई बहुत माइक सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जेएनयू के जिन छात्रों पर, जेएनयू एसयू अध्यक्ष पर, कन्हैया कुमार पर और तमाम जितने जेएनयू के छात्र हैं जिनको, जिन पर उन्होंने चुन चुन करके कहा है कि ये राजद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, मैं सबसे पहले उनको बधाई दूंगी कि यू आर इन वेरी गुड कंपनी, यू आर इन द सेम कंपनी एस तेजता सेतलवार, यू आर इन द सेम कंपनी एस प्रिया पिल्लई, यू आर इन द सेम कंपनी एस द पीपल ऑफ कुडनकुलम। उन पर भी सेडिशन का चार्ज लगा जब उन्होंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन किया, ये इस सरकार ने नहीं, इससे पहले की सरकार ने लगाया था, ये भी याद करना जरूरी है। और ये जो मोदी जी की सरकार है, जो चुन चुन करके जितने विरोध के स्वर है उनको चुन चुन करके कोशिश में लगी हुई है एंटी नेशनल बताने की, दरअसल ये उनकी सोची समझी हुई साजिश है। जो रोहित के साथ उन्होंने किया वो चाह रहे हैं कि वो जेएनयू के साथ करें। रोहित की उन्होंने वो सोच रहे हैं कि आज जेएनयू की भी उसी तरह से हत्या करेंगे। लेकिन ये जो छात्र आंदोलन है उसमें वो स्पिरिट दरअसल जिंदा देख रहे हैं ये लोग, और वो समझ नहीं पा रहे हैं बेचारे, उनके नारे भी चुप पड़ गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे इसका क्या। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये पांचजन्य में जो लेख लिखा गया था जेएनयू के बारे में, वो पता नहीं आप में से कितने पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने किन किन चीजों को एंटी नेशनल बताया, किन किन चीजों को उन्होंने कहा कि ये तो देश के संस्कृति और देश की राजनीति और देश की एकता के खिलाफ है, क्या क्या है बताइए। उन्होंने कहा कि जेएनयू का जो विमेन स्टडीज सेंटर है, दिस इज पार्ट ऑफ द करिकुलम बिकॉज इट इज डिविजिव, बिकॉज इट इज एंटी नेशनल, कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी जेएनयू में चलते हुए। उन्होंने कहा कि अरे भाई सिर्फ करिकुलम में नहीं, दीवारों दीवार कटे हुए हैं, महिलाओं की आजादी के, दलितों की आजादी के, माइनॉरिटीज की आजादी के नारों से, आदिवासियों की आजादी से के नारों से। उस लेख में यह भी लिखा हुआ है कि बताइए सारे दीवार भी बोलते हैं इसी तरह की बातें। जेएनयू के अंदर आप एबीवीपी के छात्रों के लिए भी थोड़ी सी दया उन पर करिए कि जेएनयू के भीतर ये चलते हैं और कितना चुपता होगा डेली उनको ये नारे जो आप लोग लगाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं आजकल कि ठीक है बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपके लोग भी थे और उसमें देश को तोड़ने वाले नारे लगे, बड़े गलत नारे लगे। मैंने कहा कि ये नारे देश को तोड़ने की, इनका कहीं से भी जेएनयू के छात्र आंदोलन में, वाम आंदोलन में कभी कोई जगह नहीं रही है, और उनको रोकने का काम उन छात्रों ने किया, उनको रोकने का काम उन छात्रों ने किया जिनको आज आप चुन चुन करके उठा रहे। लेकिन उन्होंने पूछा, मुझसे मीडिया के लोग भी पूछ रहे, क्या उन पर सजा नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे नारे लगाए। मैंने कहा कि मैं मानती हूँ कि नारों का जवाब नारों से दिया जाना चाहिए, विचारों का जवाब विचारों से दिया जाना चाहिए। ये जो आपके सामने खड़ा है जेएनयू का लोकतंत्र, ये किसी भी तरह के डिविजिव स्लो
स्लोगन का जवाब देने के लिए बहुत काफी है। उसके लिए कोई पुलिस की लाठी की, पुलिस की गोली की, पुलिस की बंदूक की, पुलिस की बंदी की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने कहा कि रही बात विचारों की, जो लोग यहाँ लगातार मीडिया में देखे टिकट चल रहे हैं प्रो अफजल गुरु स्लोगन्स लगे, इस वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच नहीं है कि ये जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चला रही है? अकाली दल ने कहा कि भुल्लर को फांसी गलत है, जबकि वो भी कन्विक्टेड था टेरर केस में। अकाली दल के साथ भी बीजेपी सरकार चला रही है इस देश के। नहीं, मैं शेम नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि भाई जो इस तरह के, मैं कहूंगी कि डेमोक्रेसी में, हमारे असेंबलीज में, हमारे पार्लियामेंट में इन चीजों को बोलने की इजाजत है, होनी चाहिए, हमारे समाज में भी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार चला सकते हैं, आप बात कर सकते हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ, बिल्कुल करना चाहिए, तो एकदम करना चाहिए, जरूरत है करने की चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि छात्रों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए, छात्रों को एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से बहस नहीं करनी चाहिए, ये कहां की कैसी बात हो गई? मैं ये भी कहूंगी कि जो एक नारा लग रहा है उस पर बहुत इसको चलाया जा रहा है, एक नारा आजादी का नारा, उसको लगातार चला रहे हैं चैनल वाले कुछ लोग और कह रहे हैं कि देखिए इसमें जो है देश को तोड़ने की बात हो रही है। मैं कहना चाह रही हूं कि ये जो नारे थे, उन नारों का जन्म हुआ दिसंबर 2012 के आंदोलन में, जो बलात्कार के खिलाफ हुआ, और उसमें कहा गया सबसे पहले कि महिलाएं आजादी मांग रही है। महिलाएं कहां कहां आजादी मांग रही है, देश के नागरिक कहां कहां आजादी मांग रहे हैं, आजादी से बोलना चाहते हैं, आजादी से अपना राजनीतिक विचार रखना चाहते हैं, अपनी पूरी बेखौफ आजादी की बात करना चाहते हैं, इस बात को उन नारों ने कहा। और उसमें उन्होंने कश्मीर कहा, केरला कहा, मणिपुर कहा, नागालैंड कहा, देश का हर टुकड़ा कहा, देश के हर गांव की बात कही, यहां तक कि घरों की बात कही, यहां तक कि छात्रों ने लगाया कि हमको अपने पिता से भी, बाप से भी, खापों से भी, बाप से भी, भाई से भी आजादी चाहिए। इन सारी बातों को लगाया गया। मैं कहना चाहती हूँ कि उसमें उन आजादी के, देश के हर नागरिक की आजादी की बात से एकता बनती है, एकता तोड़ने की बात वो लोग करते हैं जिनको किसी लड़की के जींस पहनने में, उसके प्रेम करने में, किसी कोई व्यक्ति के किचन में क्या खाना पकाने में, पता लगता है। इसके लिए जो लोग हत्याएं करते हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी का देश के होम मिनिस्टर को जरूरत पड़ गई आप लोगों पर कुछ बात कहने की। उन्होंने कहा कि जेएनयू को मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के नारे लग रहे हैं, आपत्तिजनक और देशद्रोही नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ सिंह जी, अच्छी बात है कि आपने, यू फाउंड योर वॉइस, आपने कुछ बोला। राजनाथ सिंह जी आपसे मैं सचमुच पूछना चाहती हूँ कि आपने दादरी कांड के बाद क्यों नहीं कहा कि इसके बाद में कभी किसी व्यक्ति को उसके किचन में, उसके फ्रिज में क्या रखा है, इसके लिए मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। आपने क्यों नहीं कहा कि किसी प्रोफेसर कलबुर्गी की, वो बसवन्ना पर क्या लिखते हैं, वो हमारे देश की कन्नड़ा की लिटरेचर पर, संस्कृति पर क्या लिखते हैं, उनके हमारे देश की संस्कृति पर क्या विचार है, इसकी वजह से उनके घर में घुस करके कोई उनको गोली मार करके हत्या कर सकता है एक प्रोफेसर की, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। राजनाथ सिंह जी बेचारे बोल नहीं पाए, नहीं बोल पाए। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कभी मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, इस तरह की हत्या, इस बात को वो नहीं बोल पाए। मुजफ्फरनगर में जो बलात्कार हुए हैं, जो वहां दंगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जाकर के जेल में उनसे मिलते हैं, कहते हैं मैं आपको छुड़ाऊंगा। दादरी में आकर के वही मंत्री भाषण देते हैं कि चिंता मत करिए, मुजफ्फरनगर में जो हमने करवाया वो हम यहाँ भी कर देंगे अगर किसी। तो मैं सिर्फ इसी बात को कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें कही गई, वो बढ़िया बातें थी और कहनी सारी बहुत जरूरी थी, मैं उनको दोहराऊंगी नहीं।
लेकिन मैं इस बात को कहूंगी आप लोगों से कि जिनको लगता है कि छात्रों पर हाथ डाल करके छात्र आंदोलन पर वो हाथ डालेंगे और वो बच जाएंगे, उनकी सरकार बच जाएगी, उनको सबक सिखाने की जरूरत है और ये देश जरूर सबक सिखाएगा, ये कैंपस जरूर सबक सिखाएगा। सेडिशन की जो बात है, देशद्रोह की, राजद्रोह की जो बात है, इस बात को इन लोगों को सुना दिया जाए कि हमारे देश में कौन लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। यहां सब लोगों ने कहा मुझसे पहले, बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस वाले ये तो देश के संविधान की जगह मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर अंबेडकर की अगर तारीफ करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ही वो मॉडर्न मनु। क्या करिएगा इस व्यक्ति का, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया उसको वो मॉडर्न मनु कहते हैं। वो समझ ही नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकते अंबेडकर को, मनुस्मृति को समझ ही नहीं सकते। लेकिन ये लोग जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, जिन्होंने माफी मांगी ब्रिटिश से, वो आज कह रहे हैं कि आप देशद्रोही। लेकिन इसमें एक और बात मैं कहूंगी, मैं मानती हूं कि किसी भी देश में वो लोग देश से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, देश की जनता से प्रेम करते हैं, जो कहीं पर खतरा मोल करके, अपने लिए रिस्क ले करके वो अपने समाज को बदलने के लिए खड़े होते हैं, उसकी आलत कहा कि निंदक नियरे राखिए। मैं मानती हूं कि हर देश को, दुनिया के हर देश, हर समाज को अपने नजदीक अपने निंदक को रखना चाहिए, निंदक नियरे रखना चाहिए। अगर अमेरिका में कौन, अमेरिका में किसकी तारीफ होती है, पूरी दुनिया किसकी तारीफ करती है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को जो युद्ध चलाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं देशों को, उनकी तारीफ कम होती है। तारीफ होती है अमेरिका के उन नागरिकों की जो कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जो कहते हैं कि हमारे काले नस्ल के लोगों को पुलिस वाले हत्या करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में, हमारे देश में जो लोग उठ करके आंदोलन करते हैं, जो लोग किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की आंदोलन चलाते हैं, उन बातों को देख करके कुछ लोगों का सीना जलता है।